जीटी के भी डीबी किलर निकल चुके हैं और ये देखो जालियां बाहर आ रही हैं। चाय गरम चाय गरम चाय गरम, राइडर चाय राइडर चाय राइडर चाय। गाइज यही बात हो रही है हमारी कि हमारे को ना खुशी हो रही है क्योंकि पहला देखो पहला जो रूट होता है ना पहला टूर होता है जो हर एक किसी चीज़ का लॉन्ग राइड है हमारी फर्स्ट। लड़कों को प्यार स्पीड से नहीं है गाइज, बिल्कुल ओल्ड वाइब आ रही है। वेलकम घर के बाहर देखो वेलकम। यहाँ कोई बात करने के लिए हमारे को दिख नहीं रहा नहीं तो हम रुक जाते। और गाइज हम आ गए हैं गलत, भाइयों ने बताया भाई तुम गलत आ गए हो पीछे से जाना है। वैसे भी सीने में रह के स्वाद आता है। भैया सांभर लेके यही है क्या? सांभर लेके यही है? ये नहीं है। ये क्या चीज है? गाइज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सांभर लेक जिसको कहते हैं। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सबको। आज है थर्ड डे, टाइम हो रहा है 6:55 6:55। अभी उठे हैं, फ्रेश होके आया हूँ मैं और मैं इसलिए आया हूँ बाहर, रूम ये पीछे ही है हमारा, ये देखो ये ग्लास है ना इसके पीछे ही हमारा रूम है, मतलब यहाँ से सब तो दिखता है पर झांकना पड़ता है। दूसरा ग्लास है गाइज ठीक है। और व्यू देखो गाइज, मैं आए ही व्यू दिखाने हूँ आपको। ये टंकी बीच में आ रही है नहीं तो इतना प्यारा व्यू है ना ये गाइज, ये देखो व्यू, मैं सबसे ऊपर आया हूँ स्पेशल तुम्हारे को दिखाने के लिए। व्यू गाइज देखो क्या लग रहा है, अनमोल भी उठ गए यहाँ ठीक है। और व्यू देखो ओए होए प्यारा सेक्सी। ये देखो थोड़ा सा रेडी हो गए, ये देखो रेडी हो गए हम, जैकेट पैंट डाल लिया हमने और बस तैयार हो गए हैं। बैग बांधते हैं नीचे चल के, बैग दिखाता हूँ आपको बांधते हुए ठीक है। चलते हैं और निकलते हैं और आज की हमारी राइड 210 किलोमीटर के आसपास होने वाली है तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको फिर बाइक पर मिलते हैं। चलो गाइज नीचे आ गए हैं, सबके बैग बन चुके हैं, देख लो मेरा बन गया, सबका बन गया बैग और कोल्ड स्टार्ट पे लगी है। आपको आवाज़ आ ही रही होगी कोल्ड स्टार्ट की, सारी बाइक्स कोल्ड स्टार्ट पे लगी हुई हैं, जीटी हार्ले इंटरसेप्टर अपनी बगीरा भी कोल्ड स्टार्ट पे ही है। कोल्ड स्टार्ट हो जाए एक बार फिर बस निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे सबसे पहले। लो गाइस सुनो हार्ले की बात सुनो, जालियां बाहर आ रही हैं गुरसेवक के एग्जॉस्ट से। लोग कहते हैं अच्छा है इस होटल से निकल चुके हैं हम, देख ही रहे हो आप, बाइक पे आ चुके हैं बगीरा पर अपनी। और आवाज कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ, सारे आवाजें कैसी लगी भाई हार्ले की बताओ। और मेरे वाली ने जो बैक फायर मारे ना गाइस, जो मेरे वाली ने बैक फायर मारे पसंद आ गया आज ये एग्जॉस्ट, फैन हो गया मैं इन एग्जॉस्ट का। चलो ठीक है बढ़िया लगी तो कमेंट करके आराम से, कुत्ता है चोट लगी हुई है कुत्ते को यार, चलो कोई बात नहीं, लोग ना देख के नहीं चलाते बहुत गलत चलाते हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से और 15 किलोमीटर दूर है ओल्ड टाउन बाय चावलास। हमें पता चला अभी ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है तो हम करके निकलेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि 100 किलोमीटर की राइड है फिर ना सिर दुखता है, दिक्कत होती है। और हम तो रह जाते हैं भूखे, तो दूसरे राइडर्स हैं हमारे एक दो राइडर्स जिनको भूख ज़्यादा लगती है थोड़ा सा, मतलब उनको खा के ही संतुष्टि मिलती है, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो तो खा लेता है, हमारा स्लो है थोड़ा सा फिर हम
कम ही खाते हैं और हमारे को इतनी वो भी नहीं लगती भी खाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी रहती है बॉडी में। ये तो कहते हैं भी एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में अगर ना खाएं तो, फर्क पड़ता है इस चीज़ का ना। तो गाइस बता दो अब फिर, मेटाबॉलिज्म स्लो होना चाहिए फास्ट? वैसे तो फास्ट ही होना चाहिए जहाँ तक मैंने पढ़ा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ। बहुत मिट्टी है भाई, वाइजर बंद करना पड़ेगा। और बताओ कमेंट करके सारे भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए या स्लो, आपका कैसा है मेटाबॉलिज्म कमेंट करके बताओ। फास्ट है या स्लो है, और आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो ये भी बताओ मेरे को। जिसका सबसे अच्छा कमेंट लगा ना उसको अगली राइड मेरे साथ। कुत्ता सेठ जी आराम से साइड पे रहते होते हैं, बीच में नहीं आते होते। बीच में आओ तो चोट लग जाती होती है, हम नहीं चाहते आपको चोट लगे। बिल्कुल हो गया हूँ साइड, हो गया हूँ बिल्कुल सीधा सीधा सीधा। ये बस वाले ने कौन सी जगह देनी है एम्बुलेंस वाले को? कर दी उसने, हो जाएगी बस। देखना गाएं आगे यार ये बस वाला। लो गाइस पहुंच गए हम ब्रेकफास्ट करने, और गर्मी है ठीक है और हवा भी चल रही है अच्छी खासी, डिसेंट हवा चल रही है। अगर छाँव में करते हो तो गर्मी नहीं लगेगी, हवा चल रही है अच्छी। बाहर बैठते हैं, दिखाता हूँ आपको। और ये हमारी खड़ी हैं बाइक्स, देख लो ये लाइन अप खड़ा है, जीटी हार्ले पल्सर इंटरसेप्टर और ये ड्यूक 90 खड़ी है 390। और चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको, आ जाओ। ये देखो गाइस ये बैठने की जगह है, बाहर बैठने की जगह है, ये यहीं बैठेंगे क्योंकि हवा अच्छी चल रही है, धूप है यहाँ, यहाँ बैठेंगे आराम से। गरम गरम चाय का ठेला लगा हुआ है यहाँ पे। चाय गरम राइडर चाय गरम राइडर चाय। कौन सी चाय पीनी है जी? ये चाय कितनी गरम है? जितनी आप कहो उतनी गरम हो जाएगी जी। चलो बढ़िया, इसमें चार कप लगा दें। बढ़िया, कॉफी पियोगे चाय पियोगे जी? चाय गरम। चॉकलेट चाय या अदरक चाय अदरक थोड़ी डालनी है, ज्यादा डालनी है? थोड़ी मीठा कम। गाइस आ चुके हैं भटूरे छोले, देखो आए हाय हाय स्वाद। मैं कह रहा हूँ भटूरे देखो, पान के पत्ते हैं, नहीं केड़े पत्ते हैं? ये कौन सा पत्ता है? ये पान का। तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तो खा रहा हूँ भटूरे लेके ठंडे। चलो गाइस जब तक हम मिस्ट्री सॉल्व करते हैं किस चीज के पत्ते हैं, हम खा के फिर मिलते हैं आपको। खाते मिस्ट्री सॉल्व करते हैं हम। आज मैं भी चाय का काम कर रहा हूँ, मेरे पास कभी ना कभी बिल गेट जैसा कोई ना कोई आएगा मेरे पास भी। क्या आप अंबानी आ जाए दिनेश रोली चाय बना के ला। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे थे। चीज मतलब खुशी हो रही है जब से बाइक में निकले हैं ना गाइस, यही बात हो रही है हमारी कि हमारे को ना खुशी हो रही है क्योंकि पहला देखो पहला जो रूट होता है ना, पहला टूर होता है जो हर एक किसी चीज का, लॉन्ग राइड है हमारी फर्स्ट, तो हमारे को अंदर से इतनी खुशी है ना, इतनी खुशी है पूछो मत भाई। मज़े ही मज़े हो रहे गाड़ी देख के, मज़े ही मज़े हो रहे ठीक है, मज़े ही मज़े। इसलिए हमारे को फीलिंग भी ज़्यादा, एक्साइटमेंट इसलिए भी हो रही है क्योंकि फर्स्ट है ठीक है। दूसरा हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जाएंगे, सच्ची बात बताऊँ सिर्फ रीलों में ही देखते थे, हम रील्स ही देखते रहते थे भाई ये बंदा यहाँ गया है, फलाना घूम रहा है, ये फलाना यहाँ घूम रहा है। नहीं सही बात है गाय जीजा जी का पॉइंट वैलिड है कि हम लोगों को मतलब हम गाड़ी में जा रहे होते ना कई बार, फैमिली के साथ जा रहे हैं हम कहीं गाड़ी में, तो लोगों को देख के ना ऐसे लगता था यार ये लोग ना कहाँ से आए हैं। पहले तो चलो नंबर देख के पता लग ही जाता है कहाँ से आए हैं, पर ये नहीं पता लगता ना जा कर रहे हैं घूमने। हमारे को तो रास्ते में दिखे
ना हमने रोका ना पूछा, बस अच्छा लगता था। बैग टंगे हुए हैं प्रॉपर, पैनियर्स लगे हुए हैं, किसी के पैनियर्स, किसी के बैग, कोई कोई उनसी बाइक पे है, कोई पल्सर पे है, कोई ड्यूक पे है। पर देख के ना आनंद आता था भाई, ये लोग जा रहे हैं घूमने कहीं, तो ऐसे जाना है कभी, ऐसे जाना है कभी घूमने। और आज वो बात, मतलब हमें नहीं लगा था हम जाएंगे, पर आज वो बात सच हो गया है। परसों जो से हम निकल गए हैं दो दिन पहले, तो मज़ा आ रहा है, ग्रेट फीलिंग। और गाइस बाइक ना कोई भी हो, ये मत सोचना छोटी बाइक है जा नहीं सकते, या छोटी बाइक है बहुत औखा होएगा। हमारे साथ भी तो पल्सर आई है गाइस, लोग स्प्लेंडर पे घूमने निकल जाते हैं यार। ये तो फिर भी पल्सर की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ हमारे साथ एक बंदे ने राइड मारी है एक्टिवा पे, बद्दी गए थे हम, उसने भी राइड मारी। तो गाइस यार एक तो शर्माना छोड़ दो, अगर तुम्हारे पास स्प्लेंडर है अच्छा जी एक्टिव है, निकल जाओ भाई घूमने। और गाइस खुशी दिल बागबान हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया ये बात, तो बार बार करके कोई फ़ायदा नहीं है। और पहली बार, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बाइक 710 किलोमीटर चलाई है किसी राइड पे, ठीक है, पहला राइड है ये, पहली राइड, नहीं तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा किसी राइड पे मैंने बाइक ही नहीं चलाई, तो इसलिए भी मज़ा आ रहा है। हाँ अभी गन निकालेंगे, ये ढिजुम। हाँ तो गाइस हम कहाँ थे, हम ना बात करने लग जाते हैं बीच बीच में, याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं बात करना आपसे, फिर गाइस जनता से बात करना भूल जाते हैं। हमारी जनता बड़ी प्यारी है ऐसे, तो सब्सक्राइब भी कर, नरम दिल खूबसूरत दर्द दिल नहीं, नरम दिल है, ठीक है। तो जनता ऐसे अपनी बढ़िया है। जीजू ने ये लाइन बोली है कि हम आपके साथ हैं, जैसे कहोगे वैसे वीडियोस बनाएंगे, बट सपोर्ट नहीं हटना चाहिए, सपोर्ट करो। और बात ये थी कि 700 किलोमीटर पहली बार चलाई है मैंने, तो ये हमारा अप्रोक्स 1500 किलोमीटर का ट्रिप होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो मज़ा भाई, मज़े ही मज़े बांधती है, मज़े ही मज़े। आप सभी दर्शनों के लिए, लाइक करने के लिए, दर्शकों के लिए आप सब दर्शकों के लिए एक छोटा सा सल्यूट, और बढ़िया सा सल्यूट, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब किया और आप हमारी वीडियो देख रहे हो, इसलिए पूरी देखना, एंड तक देखना, मज़े करा देंगे आपके, आ जाओ जी। और ये रहा आपका सल्यूट, वो भी महंगी बाइक पे, हार्ले पे, येलो फ्लाइंग किसी, ये आपकी फ्लाइंग किसी। बाय 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 टाटा। बहुत ज़्यादा बड़ा है राजस्थान भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, मैंने कल भी बोला था ये बात। एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जाने के लिए कम से कम आपको 50 या 60 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे। ध्यान से, कुत्ते बैठे हैं रोड पे आगे, कुत्ते हैं मोड़ मुड़ते ही, ध्यान से। गाइस देख रहे हो कैसे देखते हैं लोग, रिएक्शंस देखो गाइस, रिएक्शन देखो। स्लो हूँ मैं तो, जबकि वो मोड़ों पे कट जाता है ना कनेक्शन। तू ही देखो गाइस कैसा गांव है, मैंने बताया इनको, मैंने कहा देखो लोग रिएक्शन देखो कैसे देते हैं, क्योंकि ना लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है ऐसी चीज़ें। मेरे ख्याल स्प्लेंडर से ऊपर मोटरसाइकिल तो नहीं होएगा यहाँ, स्प्लेंडर पर क्या कहते हैं अपना, ये प्लेटिना स्प्लेंडर यही दिख रहे हैं मेरे को, बाकी हो कुछ कह नहीं सकते गाइस, मेरे को यहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है। नहीं पता होगा इनको 11 लाख की बाइक का, 18 लाख की बाइक का क्या पता, पिंड में रहते हैं लोग। ओए पहाड़ आ गए, मजा आएगा ये गाइस, थोड़ी सी चोटी सी आई है, चोटी। ओए होए होए, ओए होए होए गाइस, मजा आ गया।
अरे यार ये तो छोटा सा टोटा था, मेरे को लगा पहाड़ आ गए। स्लो स्लो स्लो, स्पीड ब्रेकर है स्लो। आए मेरे को लगा पहाड़ आ गए गाइस, मैं तो खुश हो गया था भाई, जैसी मोड़ थी। आए स्वाद नहीं आ गया था है? देखना गाइस देखना, पत्थर ही पत्थर है सारे। ये है राजस्थान, खाली राजस्थान असली राजस्थान ये है। शहर तो हर एक जगह होते हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो देखना एक घर दिखता है दूर दूर तक, देखना 15 किलोमीटर बाद एक घर दिखाएगा आप को। ये राइट में लेफ्ट में, यहाँ भी सेम वो बना हुआ है अंडरग्राउंड। रेलवे के लिए सब जगह अंडरग्राउंड सेम बने हुए ना। ये मजा है गाइस बाइक्स का, इसी पे तो हम मरते हैं, इन्हीं चीजों पे तो मरते हैं हम। लड़कों को प्यार स्पीड से नहीं है गाइस, भूल जाओ ये बात, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अभी स्पीड में चलाएंगे ना, ये जो आवाज आती है ना कानों में, दिल ऐसे झूम उठता झूम। नहीं लोगों को लगता है बाइक से प्यार इसलिए है लड़कों को कि स्पीड ना आ गए। स्पीड तो एक अलग मैटर है, स्पीड तो बहुत छोटी चीज है, नहीं भी है। हाँ स्पीड में तो छपरी लोग भगाते हैं, हम सिर्फ बाइक आवाज के लिए। ओए होए होए होए, और क्या देखोगे, सारी कणक लगी हुई है यहाँ पे, देखो है ना, सारी कणक है ये यहाँ। मतलब इस साइड पानी है जो कणक लगाई हुई है, पानी बहुत मांगती है कणक तो यार। कुआं गाइस कुआं था पीछे यार, रुके नहीं, मैंने बोला था रुकते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये रास्ता हुआ ना जाते हुए रोक लेंगे एक दो मिनट के लिए। पता नहीं मेरे को क्या पता, पहली बार आया हूँ भाई। देखो ऐसे गाइस, ऐसे एक्सप्लोर करने की चीज़ें मज़ा आती हैं। गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती ठीक है, गाड़ी तो हमें कहीं और से ले जाती, ये तो बाइक लेके जा रही है हमारे को यहाँ से। नहीं गाड़ी का तो रास्ता ही कोई और बताता है। हाईवे मिलेगा 27 किलोमीटर है यहाँ से। नहीं रोड कैसे ख़त्म हो जाएगी, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगी। ओहो बाइक स्लिप होता था अभी मैं तो कहता हूँ हो जाए, पता लगे कैसी आगे कैसा रास्ता है। मज़ा तो यार इसी चीज़ में मज़ा है एडवेंचर करने में। गाइस अभी पता क्या, वो पीछे एक आंटी खड़ी थी, पहले घूंघट नहीं दिया वो था, घूंघट दे दिया आंटी ने। मतलब अभी भी वही फॉलो हो रहा है, रीतें वही फॉलो हो रही हैं। दोबारा स्लिप होती थी भाई। गाइस आराम से आओ। हाँ घर देखो गाइस, ये देखो कैसे घर हैं, देख रहे हो, बिल्कुल ओल्ड वाइब आ रही है। वेलकम, घर के बाहर देखो वेलकम। यहाँ कोई बात करने के लिए हमारे को दिख नहीं रहा, नहीं तो हम रुक जाते। वो तो है ही है, पर है यहाँ बिजली। पर ऐसे भी कई गांव हैं राजस्थान में जिसमें बिजली नहीं है, ये तो फिर भी बिजली वाला गांव है। देखना कैसा घर है साइड में लेफ्ट, देखो गाइस कैसे कैसे एक एक वो वाले घर हैं, बस एक कमरे वाला घर है। देखो लोग बैठे हैं, बेड़े में बैठे हैं अपने, मतलब पिंडों में देखो कोई सड़क नहीं बनी हुई है ना। बकरिया मैं देखो, मैं रोड पे घूम रही है मैं।
मजा तो अब आएगा देखो, कोई ना तो। और गाइज हम आ गए हैं, गलत भाइयों ने बताया भाई तुम गलत आ गए हो, पीछे से जाना है। मेरा फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा है यहाँ, सिर्फ इतना एक गलत आया है, जहाँ से आप यहाँ मुड़े हैं ना वहाँ से सीधा जाना था, ये देखो उसी साइड ही है, आगे ही है, पीछे नहीं है, ये देखो ये रास्ता है। नहीं मजाक नहीं, सच में अब नहीं रह पाएंगे ना, हम नहीं रह पाएंगे यार, अब नहीं रह पाएंगे। मैं तीर्थन में नहीं जाएंगे, वहाँ जाए तो बाइक भी चली है ना, लोग बाइक को भी देखते हैं, बाइक आई है तीन बार गए तीर्थन वैली, ये कहाँ पे पड़ेगा? तीन साल लगातार मनाली से भी आगे, चलो ना ना मनाली से भी आगे तीर्थन वैली जा रहा सांबर लेक, सांबर गए, सांबर लेक का रास्ता थोड़ा सा गलत हो गया था, 16 किलोमीटर बता रहा है। गाइज इनसे पूछते हैं सांबर लेक का रास्ता एक बार ना दोबारा, इधर पानी के लिए रुके हैं पहले, इधर आ जाओ। हेलो यू आर बफेलो गाइज, पानी की ब्रेक के लिए रुके हैं, अब भाई ने गलत बता दिया था हमारे को, गूगल मैप भी कहीं कहीं ना कहीं ले जाता है गलत। कौन सा पिंड है ये, कौन सा पिंड है भाई? जावली भाई, राइडिंग के एक्सपीरियंस से आज मैंने एक बात सीख ली है कि गूगल मैप को दो बंदों ने चलाना चाहिए, अगर किसी एक से गलती हो जाए दूसरा उसको हैंडल मार दे, आज की गलती कर करके गलत आ गए गाइस, 16 किलोमीटर आगे आ गए हम। किशनगढ़ वापसी में घुमा देंगे, नहीं तो तेरे को हर किशनगढ़ ना हुआ ना वापसी में घूम लेंगे अपन, क्योंकि वहाँ से अजमेर से ज़्यादा दूर नहीं है किशनगढ़, 15-20 किलोमीटर है। हाँ हाँ ठीक है, कल का दिन भी है, 9 तारीख भी है अपने पास, ठीक है चल। हाँ जी ऐसे हम हमारे यहाँ देखो गाइस, आंखें देखो कैसे खुलती हैं, आए 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 चलो गाइस चले बैठ के, गलत आ गए थे थोड़ा सा, चलो गाइस देखो है कुछ यहाँ, यहाँ घूमने के लिए भेज दिया मेरे भाई ने हैं, मेरे से बदला ले रहा कोई, हो सकता है मैं पूछूंगा उससे, बदला तो नहीं ले रहा कोई, अंकल अंकल को हेलो कर दो, अंकल को हेलो कर दो, अंकल बाई कर रहा था, यहाँ से बाइकर्स आते होंगे तभी ऐसे हेलो, इनको पता है हेलो करनी है, कैमरे वाले हो सकते हैं ये, नहीं सूखा हुआ देखो पानी, कौन सा पार्क लिखा हुआ है पीछे? हाँ जी फोटो, हाँ फोटो तो खींचनी बनती है यहाँ, आ जाओ सारे आ जाओ गाइस, देखो यही तो नहीं है लेक सूखी हुई, सांबर लेक यही तो नहीं है सूखी हुई, क्या पता यार, इनसे पूछो, इसको पूछो सांबर लेक यही है, भैया सांबर लेक यही है क्या, सांबर लेक यही है, ये नहीं है, ये क्या चीज है, इसको तो मतलब वैसे हमारे हिसाब से जो ये 10-5 गांव है ना, हाँ हाँ उसके हिसाब से इसको वाला क्षेत्र बोलते हैं, वाला क्षेत्र, अच्छा इसमें भी पानी था, पानी था, अच्छा सूख गया, सूख भी गया, अच्छा और होता क्या कि इसके अंदर ये लोगों की जमीन है यहाँ नाम से, अच्छा बंटी हुई है मतलब जमीन, बढ़ जाता है ना तब यहाँ फसल भी होती है। सांबर लेक कितनी दूर है? सांबर लेक यहाँ से पड़ेगा आपको क्लियर 20 किलोमीटर, उस पे ऑनलाइन तो 15 किलोमीटर दिखा रहा है,
लाइन 15 आप पता नहीं आप लोकेशन किधर से लिए। हम बस पीछे से लिए, बस 20 किलोमीटर है यहाँ पे। हाँ यूँ मान लो। और यहाँ से किशनगढ़ कितने किलोमीटर है? किशनगढ़ यहाँ से प्रजेंट के अंदर पड़ेगी, वैसे मैं किलोमीटर तो निकाला नहीं है मगर करीबन मतलब 35 के लगभग तो पड़ेगी, 35-40 के लगभग। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद जी। आप कहाँ से हो भैया? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से? हाँ। इधर से? इधर से हम अजमेर से, इधर से आए हैं, क्या कहते हैं, कहाँ से आए भैया? हम जयपुर से आए हैं। हाँ तो वैसे घूमने के पर्पस से? घूमने के पर्पस से आए हैं। हाँ घूमने आए हैं। ये कौन सी गाय बैठी है? नील गाय है ये? नील गाय है ना? हाँ मैंने सही बोला था, नील गाय है, मानते नहीं है। ये आ गई ना पहाड़ देगी सारों को। हाँ कुछ नहीं कहती, हमारे उधर तो फाड़ देती है भाई, हमारे उधर तो गाड़ियाँ भी तोड़ देती है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, सारा कुछ पूछ लिया ना तसल्ली से। हाँ ये जो सबसे आगे वाली है 3.5 लाख रुपए की है, वो जिस पे बैठे हैं ना वो 20 लाख रुपए की है। हार्ले, हार्ले। हाँ नॉलेज है पूरी। गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सांबर लेक जिसको कहते हैं। यहाँ ना एक्चुअली ना ट्रेन का वो होता है, ठीक है, और इस टाइम लोग हैं नहीं यहाँ जो ट्रेन का वो दें, ये लोग हैं नहीं ट्रेन में वो कराते हैं। यहाँ ना एक्चुअली सॉल्ट बनता है सारा। नीचे लिखा हुआ है देखो, शंकरी टेंपल रोड जपक सांबर लेक, ठीक है। मुँह एक तो सूख रहा है बहुत ज़्यादा, पानी पिया अभी, ठीक है जी। सॉल्ट बनता है यहाँ पर सारा ये घुमाते हैं, एक घंटे का वो है 40-45 मिनट का, 8-7 किलोमीटर बोल रहे थे भैया शायद। तो ये ट्रेन से सारा वो करवाते हैं, वो खड़ी है ट्रेन, वो देखो वहाँ पे। और गाइस ना हो गया, थक गए हैं ढूंढते ढूंढते, पहले 5-6 किलोमीटर आगे चले गए गलत, फिर घूम गया ये। फोटोज़ देखो क्या बढ़िया बढ़िया फोटोज़ खींची है, मैं डाल दूंगा एक दो फोटोज़। और ये देखो, ओए होए पप्पी देखो, ये देखो कितना क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यूट है भाई। आजा ओए, ए कितना क्यूट है यार ये, उसको बड़ा प्यारा है। अनमोल को बड़ा पसंद है। धीरे उसको आन दो, दो मिनट। गाइस कुछ नहीं था यहाँ, हम फालतू में पागल बन गए बस, तुम्हारे को सही बताऊँ। मतलब है यहाँ कॉटेज वगैरह भाई, बोल रहा था जो टेंट है 12,000 रुपया कमरा, यहाँ वर्थ ही नहीं है भाई, बिल्कुल वर्थ नहीं है 12,000 रुपया कमरा यहाँ पे, 12,000 रुपया कमरा यहाँ वर्थ भाई जीरो, और कुछ देखने लायक नहीं है। चलो 1200 रुपये की जो वो ट्रेन राइड देते वो मेरे को समझ आती है, ठीक होती। यहाँ ना नमक बनता है एक्चुअली गाइस, तो नमक हमने बनता हुआ क्यों देखना और क्या देखना। चलो नहीं पता था हम आ गए बच्चे, ठीक है चलो। आए हाय हाय बच्चे क्यूट। brb.com.ma स्कूल है गाइस ये, छोटा सा
चलो बढ़िया यार, कुछ पढ़ने के लिए तो है ना बच्चों के लिए। और हम क्या बात कर रहे थे, हाँ नमक बनता है गाइस यहाँ पे, और एक ही वो होएगा नमक बनाने वाला, तभी ज़्यादा हवा, एक ही। हेलो हेलो, हाँ क्या करना है बताओ। स्लो, अच्छा मैं कहा शायद कह रहे हैं रोक। तो गाइस मैं क्या बात कर रहा था, हाँ यही बात कर रहा था कि थोड़ी सी जगह वो है कि नमक एक ही फैक्ट्री बनाने वाले भी होगी जो नमक बनाती होगी, ठीक है। और उसने अपने रेट हाई कर रखे हैं, एक दो जने ही बैठे थे। हाँ ये बोल रहे थे भी फेस्टिवल होता है कोई, कब होता है फेस्टिवल, कब बोल रहे थे जनवरी और फरवरी के बीच में, जनवरी या फेब में हो जाता है फेस्टिवल, ठीक है। वो फेस्टिवल हम फेस्टिवल में बहुत लोग होते हैं कह रहे हैं, वो फेस्टिवल अच्छा होता है तो वो फेस्टिवल में आना चाहिए। हमारे को पता नहीं था, हमारे को किसी ने गाइड किया तो हम आ गए भाई ने। चलो ध्यान रखेंगे आगे से, सर्च करके आएंगे ना, आगे से ध्यान रखेंगे और सर्च करके आएंगे गाइस थोड़ा, ठीक है ना। हाँ या तो अपना टेंट लेके आओ, कैंपिंग करो यहाँ पे, है ना। हाँ 817 किलोमीटर राइड हो चुकी है गाइस, जल्दी कवर करना है एरिया ना, थोड़ा सा रात का टाइम है और एरिया है गंदा थोड़ा सा, मतलब खाली एरिया है, गंदा नहीं खाली एरिया है, तो डर लगता है थोड़ा। खाली एरिया की वजह से जानवर जूनवर होते हैं बीच में रोड पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ से डर लगता है, और कोई दिक्कत नहीं। और रात को दिखेगा कुछ नहीं, रात को बड़ी दिक्कत होगी। और थोड़े थोड़े बीच बीच में पैच जो पिंड वाले हैं ना वो ख़राब हैं, तो जितना साफ एरिया जल्दी कवर हो जाए उतना बढ़िया है गाइस। सारे ही क्यूट बच्चे, इतने इतने बच्चे खड़े हैं ना। हाँ ये अगले पिंडों में नहीं आए आप, अगर ये अगले पिंडों में आए थे तो आप दूसरी साइड चले गए थे फिर, जब रास्ता गलत हो गया था अपना, है ना। मेरे ख्याल तो नहीं आए, हाँ हो सकता है आराम से। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बच्चे बड़े खुश होते हैं ना, देखा ही नहीं ना, देखा नहीं कुछ। गाइस हन्नी पीछे रह गया था, हमारे को पता नहीं चला, तो हम मोड़ा था थोड़ा सा पीछे, पर ये आ गया, तेल डलवाने रुक गया था तेल। अब हमारे को तो पंप ही नहीं दिखा गाइस, या कोई वो होगी, आराम से भाई। गाय गुए आगे तो धीरे जाना पड़ेगा, यहाँ पे पता नहीं लगता कुछ, तो हमारे को तो पंप ही नहीं दिखा। आपको दिखा था, हमारे को पंप ही नहीं दिखा, इसको कैसे दिख गया। चलो इसको कहो कैद हो यार, हमारे को कॉल किया करे अगर कोई ऐसी चक्कर होए ना, फिर हम भी डलवा लेते पीछे। चलो हमारे को तो गाइस पंप ही नहीं पता लगा, चलो हन्नी डलवाया है 6 किलोमीटर आगे, भैया ने बोला है पंप तो डलवा लेंगे, पर टेंशन हो जाती है ना, कहाँ रह गया, पीछे आ नहीं रहा, हम देखने खड़ गए। हमारे को इसने कॉल नहीं किया, अनमोल को किया, अनमोल के पास कार्ड वो नहीं है, इंटरकॉम नहीं है, तो उसको पता नहीं चला। हमारे पास इंटरकॉम इंटरकॉम है सब कुछ, हमारे को पता चल जाता ना कॉल का, कनेक्टेड होते हैं हम फ़ोन के साथ, हम तो गाने सुनते चल रहे हैं मज़े में। गाइस तेल डलवा लेते हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है, कितने किलोमीटर पे आए पंप, चुपचाप तेल डलवा लो सारे, पूरा करवा लो फुल, है ना। बाइक गरम है, एक मिनट रुक यार, ध्यान से डालियो बाइक पे ना गिरे, गरम है बहुत बाइक। हेलो गाइस, देखो देखो गाइस, किशनगढ़ आने वाला है और मार्बल ही मार्बल शुरू हो गया है। राजस्थान का मार्बल बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरे घर आज से 20 साल पहले राजस्थान का मार्बल लगा था, अब तक ऐसे चमक रहा है ना मार्बल। चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, पर मार्बल भाई राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा फेमस है मार्बल। हाँ पापा ले गए थे आके स्पेशल, मार्बल ही मार्बल है ये देखो दोनों जगह, बस अब मार्बल ही मार्बल दिखेगा आपको किशनगढ़ तक, किशनगढ़ हब है मार्बल का। गाइस फाइनली अजमेर पहुंच गए, यस पहली ऐसी सिटी है जहां हम प्रॉपर सिटी में जाएंगे और फिर यहां से हम जाएंगे पुष्कर। गाइस पुष्कर घूमेंगे, पुष्कर घुमाएंगे आपको। हटो भाई हटो, ले आओ इनको, ले आओ इनको। गाइस घर आ गए, देखो मासी का, मेरे को वॉशरूम जाना है, भागना पड़ेगा। कौन से दरवाजे से हूँ? नमस्ते मासी, आई।